सिर्फ ये ख्वाब लेके कि ये बच्चे कल को मेरे लिए इस ख्वाब को पूरा करें। बच्ची यो लड़की यो लड़की पग ड्रग्स मन कैरियर खराब करान तम खराब वातन मन पुन कैरियर खराब करान पम सिस मलिस कल ग बन करिए एंजॉय करिए ये दुनिया आपके लिए सोशल इफेक्ट्स द हार्ट ड्रग मेक द टेकर हाइपरएक्टिव एट द पॉइंट ऑफ टेकिंग द ड्रग दिस मेक द टेकर टू बिहेव एबनॉर्मली कंट्रीब्यूट टू इमोरलिटी। मैं चाहता हूं कि हमें स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप जैसे देख सकते हो तजमुल इस्लाम है, सानिया मिर्जा है, बहुत से बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में नाम बना चुके हैं। तो ड्रग्स है ना वो बहुत लाइक आवर यूथ हैव फॉलन प्रे टू दिस कर्स। So it is the need of the hour to know the abuses of these NDPS contraband substances like drugs, chars, etc. महज लोगों का मजहब दुश्मनी निकालना भी होता है और कुछ तो बस देश के गैर होते हैं। अपनी तवारीख को गंवा बैठे हैं, हमारी जो हिस्ट्री है कश्मीर की इसको हमारे बुज़ुर्ग हमारे वालिदैन पिरवर के नाम से जानते थे। पिरवर का बुनियादी मकसद क्या है कि ये ज़मीन मुनियों ऋषियों बुज़ुर्गान दीन की सरजमीन थी। इस सरजमीन में लोग अपने बुज़ुर्गों के सामने सर उठा के बात नहीं करते थे, हम बुज़ुर्गों की इज्जत किया करते थे। एक ऐसी सरजमीन थी कि जिसका पूरी दुनिया में एक नाम था, मेहमान नवाजी के तौर पे हमारा जो कल्चर था, हमारा जो ट्रेडिशन था, हमारा जो तौर तरीका था, उठने बैठने का, खाने पीने का एक अलग ही अंदाज़ था, पूरी दुनिया में उसका एक मुकाम था। लेकिन एक साजिश के तहत हम हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चों को ड्रग्स की तरफ लिया जा रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम था, मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ड्रग्स से दूर रहे और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। ड्रग्स इंसान की ज़िंदगी टोटली बर्बाद कर देती है और जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सपने देखे होते हैं, हमने खुद अपने एम्बिशंस या गोल्स चुने होते हैं, हम उनको भी खुद से खुद ही बर्बाद करते हैं, खुद की गोल्स को हम खुद से ही बर्बाद करते हैं।